हूँ देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा से पहले हर पार्टी में एक युद्ध सा माहौल हो गया है और पार्टी के रणनीतिकार और बड़े नेता बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं। इसका कारण आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियां और रणनीतिकार अपने विपक्षी से आगे निकलने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो वहीं हर पार्टी के कई बड़े नेता भी अपनी ही पार्टी से खासे नाराज चल रहे हैं और लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भी एक युद्ध कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस में चल रहा है। पहले ये खबर आई कि मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस और आप आपस में समझौता कर रही है, लेकिन ऐन मौके पर तीन बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दीवार बनकर खड़ी हो गई और समझौता टूट गया। उसके बाद दोनों पार्टियों की तरफ से कई बयान आए, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष आपस में ही टकरा गए। मतलब दिल्ली के पूर्व प्रभारी पीसी चाको पूर्व अध्यक्ष अजय माकन और वर्तमान अध्यक्ष शीला दीक्षित आपस में टकरा गए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व में दरार की खबरें हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कभी दिल्ली के प्रभारी रहे पीसी चाको का कांग्रेस कैडर के लिए जारी एक ऑडियो मैसेज ने इसकी अटकलें और तेज कर दी हैं। दिल्ली अध्यक्ष शीला दीक्षित जहां चाको के खिलाफ उतर आई हैं, तो पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने चाको का बचाव किया है। माकन ने राहुल गांधी का हवाला देते हुए शीला दीक्षित को घेरने की कोशिश की है, तो उधर आम आदमी पार्टी को भी निशाना साधने का मौका मिल गया और उसने कहा कि दाहिने हाथ को पता ही नहीं कि बायां कर क्या रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष शीला दीक्षित ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार गठबंधन का आग्रह करते दिखे। दिल्ली में उनकी बात नहीं बन पाई तो बुधवार को केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जेजेपी और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर ले तो बीजेपी को हराया जा सकता है। उधर पीसी चाको का ऑडियो मैसेज सुनकर साफ होता है कि कांग्रेस के अंदर एक खेमा ऐसा भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहता है और दूसरा नहीं चाहता। लेकिन जो सबसे बड़ा बयान शीला दीक्षित की तरफ से आया है वो कुछ और ही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम ने गुरुवार को स्वीकार किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 26/11 के हमले के बाद आतंक के खिलाफ पीएम मोदी जितने खतरनाक या जवाबदेह नहीं थे। दीक्षित ने कहा कि पीएम मोदी ने पुलवामा हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ शक्तिशाली और अद्भुत क्षमता का परिचय दिया और आतंकियों के खिलाफ दृढ़ता से कार्रवाई की, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि राजनीतिक हित के लिए उन्होंने ऐसा किया है। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने एक न्यूज चैनल के साथ बात करते हुए एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि मनमोहन सिंह मोदी जैसे सख्त और दृढ़ नहीं थे, लेकिन साथ ही ये लग रहा है कि उन्होंने राजनीति के लिए सब कुछ किया। बयान को लेकर बवाल मचने पर थोड़ी देर बाद दीक्षित ने सफाई भी दी और कहा कि अगर कोई उनके बयान को किसी और संदर्भ में लेता है तो वो कुछ नहीं कह सकती। जो भी हो, प्रधानमंत्री मोदी का सिक्का पक्ष विपक्ष देश विदेश दोस्त दुश्मन सब जगह चर्चा है और ये पॉपुलैरिटी साबित करती है कि मोदी इज द बेस्ट, और अगर मोदी बेस्ट है तो देश के भविष्य के लिए ये शुभ संकेत है। जनता का प्यार बता रहा है कि 2019 में मोदी इज बैक हो सकता है, लेकिन ये एक अनुमान है और अनुमान हमेशा